उदाहरण चार, बहुपद 2x3 ऋण 3x2 ऋण x धन 3 को बहुपद 2x2 ऋण 4x धन 3 से भाग दीजिए। यह हल बहुपद 2x3 ऋण 3x2 ऋण x धन 3, इस बहुपद को हमें भाग देना है। यह हमारा भाज्य है। बहुपद 2x3 ऋण 3x2 ऋण x धन 3 को बहुपद 2x2 ऋण 4x धन 3 से भाग दीजिए। यह हमारा प्रश्न है। हल के लिए हम 2x3 ऋण 3x2 ऋण x धन 3 को भाग देंगे 2x2 ऋण 4x धन 3 से। इसके लिए सबसे पहले हमें 2x3 प्राप्त करना है। सबसे पहले हम 2x2 को कहीं x से गुणा करते हैं, x से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2x3। उसी तरह से ऋण 4x को जब हम x से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 4x2। धन 3 को फिर x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा धन 3x। अब चिन्ह बदलेंगे तो धन हुआ ऋण, ऋण हुआ धन और धन 3x हुआ ऋण 3x। 2x3 को 2x3 से जब हम घटाएंगे तो ये शून्य मिला हमें, और ऋण 3x2 को धन 4x2 से जब जोड़ने पर हमें x2 प्राप्त हुआ। उसी तरह से ऋण x ऋण 3x ऋण 4x और धन 3 को हम नीचे उतार लेंगे। अब पुनः 2x2 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें जिससे हमें x2 प्राप्त हो। इसके लिए हम धन जब हम 1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा और हमें x2 प्राप्त होगा। तब हम 2x2 को धन 1/2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ x2। उसी तरह से ऋण 4x को धन 1/2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ ऋण 2x और धन 3 को धन 1/2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 3/2। पुनः हम यहाँ पे इनके चिन्ह जो है विपरीत करेंगे, धन का ऋण, ऋण का धन और धन का ऋण। x2 ऋण x2 शून्य हुआ और ऋण 4x धन 2x बराबर ऋण 2x धन, कोष्टक में हम लिखेंगे 3 ऋण 3/2 बराबर ऋण 2x धन, घटाने पर हमें प्राप्त होगा 6 ऋण 3 बराबर 3/2। तो इस तरह से हमें भागफल बराबर x धन 1/2 मिला तथा शेषफल बराबर ऋण 2x धन 3/2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का भागफल हमें प्राप्त हुआ x धन 1/2 और शेषफल बराबर ऋण 2x धन 3/2।